ये जो महंगे फोन्स हैं, ये एक ट्रैप है एंड टुडे वी विल सी हाउ टू ब्रेक दिस ट्रैप। क्योंकि जरूरत हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है लेकिन हमारी चुल यहाँ पे अटकी हुई है। और किसी अमीर आदमी ने कह दिया कि शौक का कोई मोल नहीं होता और अब हम मिडिल क्लास वाले इन्हीं लाइनों को यूज करके पैसे बर्बाद करते हैं। क्योंकि ये सारी एड्स और मार्केटिंग एक समझदार इंसान से भी ऐसा परचेज डिसीजन करवा सकती है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी। तो चलो फिर सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारी जरूरत ये है या ये है। तो देखो, एक फ्लैगशिप से आपको क्या फायदा मिल रहा है जो मिड रेंजर में नहीं होता, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, ज्यादा लंबे टाइम के लिए अपडेट्स। फ्लैगशिप में 4 साल तो बेस लाइन है, आईफोन 5 प्लस जाता है और पिक्सल तो 7 साल तक पहुंच गया है। लेकिन 3 साल के अपडेट्स तो आजकल हर ढंग का मिड रेंज फोन भी दे देता है। और इंडिया में लगभग 44% लोग अपना फोन 2 साल से पहले ही अपग्रेड कर लेते हैं। 3 साल वाले अगर अज्यूम करें तो कितने होंगे, मे बी 60%। तो जब आपने 3 साल के आसपास जाके फोन बदलना ही है तो फ्लैगशिप लो चाहे मिड रेंजर, अपडेट्स की सिचुएशन से क्या फर्क पड़ता है। एक चीज सॉल्व हो गई, अब दूसरी चीज है परफॉर्मेंस। एक बार ये देखते हैं कि एक स्मार्टफोन यूजर अपने फोन पे आखिर क्या क्या करता है। कॉल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, BGMI, पेमेंट्स और कैमरा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। अब अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है तो वो एक स्पेसिफिक यूज केस है, हम यहाँ मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। तो आप खुद देख लो इनमें से कौन सा काम है जो आपसे एक स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 या फिर A17 Pro की डिमांड कर रहा है। मुझे तो ऐसी एक भी चीज नहीं लग रही जो इस 1 साल पुराने नथिंग फोन 1 में ना होती हो। सो मेरे को तो ये चीज बिल्कुल नहीं समझ आती कि आपको एक A17 Pro या A16 Bionic चाहिए क्यों है। मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये क्या फालतू बात कर रहा है, परफॉर्मेंस तो यूज में आती ही है, थोड़ा सा सबर रख लोगे, थोड़ा सा। तीसरी चीज होती है कैमरास, और सिर्फ ये एक पॉइंटर है फ्लैगशिप के पास जो थोड़ा भारी होता है। लेकिन इसमें भी मेरा एक काउंटर आर्गुमेंट ये है कि पहले तो ये सोचो कि कैमरा यूज कितना करते हो, और अगर करते भी हो तो इसका कैमरा इतना बुरा तो नहीं हो सकता कि आप खून के आंसू रो दो। चलो इससे भी बड़ा काउंटर, अगर आपने MKBHD का ब्लाइंड स्मार्टफोन कैमरा टेस्ट देखा है तो पिछले 2 साल से मेजोरिटी बजट फोन्स को जितवा रही है। 2022 में पिक्सल 6 ए जीता था और 2021 में पिक्सल 5 ए जीता था। यानी कि मेजोरिटी के हिसाब से एस्थेटिकली प्लीजिंग इमेजेस के लिए आपको फ्लैगशिप्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक फ्लैगशिप और मिड रेंजर का गैप कम हो गया है। इसलिए हर साल इस टेस्ट में बजट फोन्स या मिड रेंज फोन्स जीत रहे हैं। ये सिर्फ आपके दिमाग में एक परसेप्शन डाला गया है कि फ्लैगशिप कैमरास कैन डू वंडर्स। इंस्टेंट क्लिक में इतना फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपको पड़ता है तो मिररलेस कैमरा लो या फिर फोटोज को एडिट कर लो। और देखो मैं फिर बोलूंगा कि कुछ लोग मेरी हर बात से डिसएग्री कर रहे होंगे और उनके पास मेरी सारी बात का काउंटर होगा कि 8 Gen 2 यहां काम आएगा, 200 मेगापिक्सल से मैं ये कर लूंगा, तुझे क्या ही पता है। थोड़ा रुक जाओ, ये खुजली अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि फ्लैगशिप के जो कटिंग एज फीचर्स होते हैं वो एक एवरेज यूजर टच भी नहीं करता। कंफर्म करना चाहो तो आप अपने किसी नॉन टेकी दोस्त के पास जाना जिसके पास प्रो मैक्स होगा और उसको पूछना कि प्रो रेस वीडियो क्या होती है या फिर प्रो मोशन डिस्प्ले क्या होती है, जवाब आपका दोस्त आपको खुद ही दे देगा। तो इससे एक चीज क्लियर है, ये सारे काम करने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी आपको एक मिड रेंजर लेना है। मैं फोन 1 का एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आप ये सारे काम बहुत आराम से कर सकते हो और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। और एक सिंपल सी बात, यू डोंट नीड ए 1 लाख रुपी फोन जस्ट टू स्क्रोल इंस्टाग्राम। यू शुड नॉट इवन स्क्रोल इंस्टाग्राम इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि सारा दिन इंस्टा पे बैठे रहने से फोकस ही लूज होता है। तो जब आप पढ़ाई करते हो तो चीजें याद नहीं रहती, बट चीजों को मेमोराइज करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि माइंड मैपिंग। और इसको बहुत अच्छे से करने में आपकी हेल्प करता है एड्रोमाइंड, ये एक AI बेस्ड माइंड मैपिंग टूल है। जैसे मुझे सी लैंग्वेज का एक माइंड मैप बनाना है तो मैं यहाँ सी लैंग्वेज लिखूंगा और फिर AI सिंगल क्लिक में बिना किसी एफर्ट के एक बेसिक माइंड मैप जनरेट कर देगा। और अगर आपको डीप में समझना हो तो आप एक एक बॉक्स को AI से एक्सटेंड कर सकते हो। इवन आप इसकी AI से PPT भी जनरेट करवा सकते हो, बस आपको टॉपिक का नाम लिखना है और कुछ मिनट्स में आपको पूरी PPT मिल जाएगी। तो अगर आप एड्रोमाइंड को चेक करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके देख सकते हो। अब हम वीडियो पे वापस आते हैं। तो अब मैंने आपको ज्ञान दिया कि फ्लैगशिप से दूर रहो, लेकिन मैं खुद एक 15 प्रो मैक्स और S23 अल्ट्रा लेके घूम रहा हूँ तो मैं तो बहुत बड़ा दोगला हुआ है ना। चलो थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। ये आईफोन मुझे पड़ा 1,56,000 का और अभी तक मैंने इस पे 2 वीडियोस बना दी और दोनों ही वीडियोस की अर्निंग देखो, एक इंप्रेशंस है जिसके हैं लगभग 30,000 और एक कैमरा कंपैरिजन है जो इतना चला नहीं इसलिए उसके 6,000 ही। और इसमें से एक वीडियो में स्पॉन्सर भी था, अगर मैंने उसके पैसे जोड़ दिए तो इस फोन की मेरी कॉस्ट पूरी हो चुकी है। और अगर मैं ना भी जोड़ूं तो 1 साल में इस फोन पे जो मैं कंटेंट बनाऊंगा उससे जो एड रेवेन्यू आएगा मेरे पैसे उससे भी पूरे हो जाएंगे। अब अगर आपने इस बात को फ्लेक्स की तरह देखा है तो थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट कर लो। और जिनको बात समझ आ गई बधाई हो, जिनको नहीं आई
बेसिक शब्दों में, जितने पैसे मैंने इस फोन पे लगाए हैं मुझे ये उससे काफी ज्यादा बना के दे देगा। यानी कि मेरा इसको खरीदने में कोई घाटा नहीं है, लेकिन आपका है, क्योंकि आप इससे पैसे नहीं बना रहे। अब कुछ लोग इस चीज को शौक से जोड़ देंगे कि शौक को पैसे से नहीं देखते, उस पे भी मैं आऊंगा। उससे पहले एक और आर्गुमेंट एड्रेस करते हैं। अगर मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ये फोन्स मत लो और उसके बाद मैं ही इन फोन्स का आपके लिए रिव्यू भी कर रहा हूँ, तो मैं तो फिर से दोगला हो गया। देखो, जो लोग फोन रिव्यूज देखते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको वो फोन लेना ही है। लोग ऐसी वीडियोस को इन्फॉर्मेशन के लिए भी देखते हैं। तो अगर मैं एक फ्लैगशिप का रिव्यू कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ कोई धक्का कर रहा हूँ कि इसको जाके खरीदो। मैं सिर्फ आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अब आप चाहे उसे इन्फोटेनमेंट पर्सपेक्टिव से देखो या एक परचेज डिसीजन बनाने के लिए देखो, वो तो आपकी मर्जी है। और देखो, मैं फ्लैगशिप फोन्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो बिना बजट के भी ऐसे फोन से अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि मैं आपको एक 50,000 का फोन लेने से रोक नहीं सकता, मैं सिर्फ आपको ये रियलाइज करवा सकता हूँ कि वो 50,000 का फोन आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहा। तो अगर आपका काम इन फोन्स के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता या फिर आप एक एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल नहीं हो, तो प्लीज इन फोन से दूर रहो। ईएमआई वालों, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। चलो, ये बात हो गई, लेकिन आप इन सारी बातों को एक स्टेटमेंट में रफा दफा कर सकते हो कि शौक की कोई कीमत नहीं होती। सही बात है, शौक बहुत बड़ी चीज होती है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। अब वीडियो की टोन थोड़ी कड़वी हो जाएगी, तो दिल पे मत लेना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक कड़वा सच ये है कि ये शौक बड़ी चीज, ये वो, ये बातें किसी अमीर ने अपने मुंह से कह दी और अब मिडिल क्लास वाले इन बातों को बहानों की तरह यूज करते हैं। एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक बंदा है जिसको महंगे फोन लेने की चुल है और उसका दिमाग उससे कह रहा है कि यार अभी पैसे नहीं है, अभी रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे, लेकिन उसका मन बहुत कर रहा है। तो इसके बाद वो अपने किसी पैसे वाले दोस्त से मिलेगा और वो उसे बोलेगा कि ले ले ब्रो, एक ही तो जिंदगी है, घुट घुट के थोड़ी जीना है, बस हमारे भाई साहब को एक बहाना ही तो चाहिए था और वो उन्हें मिल गया। कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें उन्हीं पे अच्छी लगती हैं जो एक वेल्थ बिल्ड कर चुके हैं। और इंटरनली हमें पता होता है कि हम फालतू पैसे लगाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं, इसका मतलब गलत तो हम ही कर रहे हैं। इसलिए ऐसी चीजें खरीदो जो आपकी जेब में पैसे डाले, ना कि आपकी जेब से पैसे निकाले। और जब वेल्थ बना लो तो कुछ मर्जी खरीदो। और एक इक्वेशन हमेशा याद रखना, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग नहीं, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एक्सपेंस होता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो फिक्स है कि इतनी करनी ही है, उसके बाद जो बचेगा उससे आपको खर्चे निकालने। ऐसा करने से आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखते हो, क्योंकि अगर आपने उड़ा पहले दिए तो सेव करने के लिए बचेगा क्या? और अब कोई एक आधा होगा जो कहेगा कि सेविंग से क्या करना है, प्रेजेंट में लाइफ जियो। देखो, ये फालतू का ज्ञान ना बाद में दे लेना, क्योंकि अगर प्रेजेंट में लाइफ जीना चाहते हो तो इनकम स्ट्रीम्स ही इतनी बना लो कि सेविंग्स के बारे में सोचना ही ना पड़े। और अगर शौक पूरा करने का इतना शौक है तो 70,000 का M1 Air आता है, इसको लो, चार बातें सीखो, जिंदगी भर किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा। और शौक भी फिर EMI के बिल से नहीं, खुले दिल से पूरे होंगे। चलो, MacBook नहीं लेना चाहते तो परिवार को कहीं घुमाने ले जाओ, वो एक्सपीरियंस आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगा। ये मेटल के डब्बे एक दो हफ्ते नए लगते हैं, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अब कुछ लोग स्टेटस सिंबल की भी बात करते हैं कि एक फोन से आपका सोसाइटी में स्टेटस ऊपर हो जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी, लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप एक मेटल का टुकड़ा दिखा के सोसाइटी से वैलिडेशन मांग रहे हो। इनसे कुछ देर के लिए शायद सामने वाला आपको अमीर मान भी लेगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगे फोन्स देख के सामने वाले के मन में हमारे लिए इज्जत पैदा नहीं हो जाएगी, क्योंकि इंस्टा स्क्रॉल करने से सिर्फ एक्टिव स्टेटस बनता है, सोशल नहीं, सोशल स्टेटस बनता है सोशलाइज करके, जो कि आजकल हम कर नहीं रहे। उस बंदे को बस अपने लिए बुरा लग रहा है कि उसके पास क्यों नहीं है। समझो इस चीज को, आपके पास होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे इस बात से फर्क पड़ रहा है कि उसके पास क्यों नहीं है। उसके इमोशंस अभी भी आपके लिए न्यूट्रल ही रहेंगे। अगर आप थोड़े सेंसेबल इंसान हो तो अपने आप से पूछो कि कितनी बार आपके सामने कोई अमीर आदमी आया हो जिसके पास कोई ऐसी महंगी सी चीज हो, तो क्या आपकी नजरों में उसका स्टेटस ऊपर हो गया था क्या? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चंद देर के लिए शायद हम उसे अमीर मान लें, लेकिन उसके बाद हमारे इमोशंस बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। देखो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज का बुरा लगा हो, लेकिन मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझें। ये सब बोल के ना तो मैं कोई फ्लेक्स करना चाहता हूँ, ना मैं आपको बुरा फील करवाना चाहता हूँ, लेकिन सच यही है कि बहुत सारे लोगों को पैसे की समझ नहीं होती। और एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा है, मुझे पता भी नहीं लगेगा कि आपने जाके उड़ा दिया। तो मैं बस आपको एक बात समझा सकता हूँ, मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है, क्योंकि ब्रांड्स तो अपनी मार्केटिंग करेंगे, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो तो हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये तो हमारी गलती हुई ना। और याद रखना, कंपनीज आपसे वो चीज नहीं खरीद सकती जो आपको नहीं चाहिए, वो आपसे वो जरूर खरीदवा सकती है जिसकी आपको जरूरत नहीं। आई होप आपको दो चार बातें समझ आ गई हो। अगर अभी भी नहीं आई तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, जाओ जाके जो मर्जी खरीदो। व्हाटसोएवर, इट्स ऑल अप टू यू। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
I am Devanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.